तो दिन तो पहले ही किसका है? अल्लाह का है। अब बताइए जा और ये माल जो अल्लाह ने हमें जिसका डाकिया और अमीर बनाया है ये अल्लाह की अमानत है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह की रजा नसीब होगी, दुनिया में महबूबियत नसीब होगी। इसलिए दोस्तों ये बात याद रखो कि सारी कायनात में जो बिगाड़ आता है वो दिलों के बिगड़ने से आता है, और जब कायनात में सुधार, अमन, इंसानियत, मोहब्बत का सबब आम होता है तो वो इंसानों के दिलों की दुरुस्तगी की वजह से आम होता है। और जब दिलों की दुनिया बिगड़ती है, चाहे वो हुक्मरानों की बिगड़े, तो सारी दुनिया में मुल्क में आवाम में बिगाड़ और फसाद जिंदगियों का हिस्सा बन जाता है। और अगर हुक्मरान और इख्तदार के जिम्मेदार लोग नेक नियति के साथ, इंसाफ के साथ, पब्लिक के हक की अदाई के साथ इस दुनिया में हुकूमत चलाते हैं तो फिर पब्लिक हत्या के जो जानवर होते हैं उनमें भी इंसाफ आ जाता है और उनमें भी दरिंदगी और उनमें भी सुल्म ये खत्म हो जाता है। और जब इंसाफ वाले हुक्मरान इस दुनिया से उठते हैं तो उसके इंसानी मुतासर नहीं होते बल्कि जानवर मुतासर होते। खलीफा हारून रशीद का दौर, ऐसे जलील कदर बादशाह गुजरे हैं सल्तनत इस्लामी के कि